नमस्कार। राजस्थान के जोधपुर से एक युवक की दो बच्चों की मां से ही शादी करवाने का धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। दलाल ने शादीशुदा महिला से युवक की शादी करवा दी और सुहागरात के बाद अगले दिन सुबह जब महिला घर जाने की जिद करने लगी तो पूरे मामले का पर्दाफाश हुआ। यहाँ तक कि युवती ने घर नहीं दिए जाने पर सुसाइड करने की धमकी दे डाली। बता दें, पूरा मामला जोधपुर में मां मंदिर निवासी प्रदीप दवे की मां ने बालोतर निवासी रिश्तेदार से बेटे की शादी की चिंता जताई। इस पर किसी ने बालोतर निवासी दलाल कैलाश दवे के बारे में जानकारी दी और कैलाश ने प्रवीण सहित उसके परिवार को जासे में ले लिया और 2,00,000 रुपए में शादी करवाने की बात कही। इस पर उसका परिवार मान गया और साथ ही शादी में आने वाला खर्च अलग से लेने की बात भी कही। महिला के मोबाइल पर फोटो भेजे और इसके बाद प्रदीप और उसके माता पिता एवं रिश्तेदार जोधपुर से दिल्ली होकर मेरठ पहुंचे। इसके बाद मेरठ में अधिवक्ता मोहम्मद खालिद के चैम्बर में शादी के लिए ले गई। वहाँ एक वकील ने कोविड का हवाला देते हुए वहीं पर मांग भरवाकर मंगलसूत्र पहनाकर शादी करवा दी और डॉक्यूमेंट भी तैयार कर दिए। इसके बाद परिवार जोधपुर आया और जहाँ युवक और दुल्हन दोनों एक रात होटल में रुके, लेकिन अगले दिन सुबह महिला ने बताया कि वह दो बच्चों की माँ है और उसे घर जाना है। इसके बाद वह घर जाने के लिए जिद करने लगी और नहीं भेजने पर सुसाइड की धमकी भी दी। शादी की यह पूरी रस्में वकील के चैम्बर में हुई थी। 11,000 रुपये लेकर प्रदीप और उसके परिवार को जोधपुर के लिए रवाना कर दिया गया। यह एक रात होटल में रुकने के बाद महिला नाटक करने लगी तो प्रदीप ने अपने माँ बाप को यह सारी बात बताई। इसके बाद कैलाश दवे से बात करने पर 2,00,000 रुपये वापस देने और महिला को अपने साथ भेजने की बात कही। इस मामले में प्रदीप दवे ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जोधपुर के समक्ष परिवाद प्रस्तुत किए। पीड़ित परिवादी की ओर से दलाल कैलाश दवे लुटेर दुल्हन, अनु देवी दलाल, मीना देवी, मोहम्मद खालिद एडवोकेट और भी अन्य कई लोगों के खिलाफ कोर्ट में परिवाद पेश किए। इस प्रकार जोधपुर के एक युवक की दलाल ने 2,00,000 रुपये में दो बच्चों की माँ से शादी करवा दी। इसके बाद सुहागरात के दूसरे दिन इस पूरे मामले का पर्दाफाश हुआ है।